24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 9000 से ज्यादा मरीज देश भर में मिले। मौत का आंकड़ा 6000 के पार पहुंचा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौत के एक हफ्ते बाद मिल रही है कोरोना की जांच रिपोर्ट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से शिकायत की। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस के दो विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। शंकर सिंह वाघेला ने एनसीपी छोड़ी। छत्तीसगढ़ के 189 प्रवासी मजदूर हवाई जहाज से रायपुर पहुंचे। टिकट का इंतजाम नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु के पूर्व छात्रों ने किया। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण का मामला अटका। माल्या के पास अभी भी कानूनी विकल्प बाकी। जर्मनी के बाद स्पेन का ऐलान, 22 जून से फ्रांस और पुर्तगाल के लिए जमीनी बॉर्डर खोले जाएंगे। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस का आरोप, पद का गलत इस्तेमाल करते हुए विभाजन की आग भड़का रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और स्नैपचैट ने नस्लवादी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को प्रमोट करने से मना किया।